ओडिशा और पश्चिम बंगाल को हिलाकर रख देने वाले तूफान फोनी के बाद अब इस तूफान पर शुरू हो गई है बिग फाइट। एक और पीएम मोदी दबंग दीदी पर अहंकारी होने का आरोप लगाकर उन्हें घेर रहे हैं, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी ने दो टूक कह दिया है कि वो उन्हें पीएम मानती ही नहीं। चक्रवात के संबंध में मैंने ममता दीदी से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दीदी का अहंकार इतना ज्यादा है कि उन्होंने मुझसे बात नहीं की। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दीदी को अपनी राजनीति कितनी ज्यादा चिंता है। पश्चिम बंगाल के तुमलुक में रैली के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को बंगाल के विकास का स्पीड ब्रेकर बताते हुए घेरा। ममता पर तीखा वार करते हुए उन्होंने कहा कि दीदी इतना बौखला गई हैं कि इनको भगवान के नाम से भी दिक्कत है। हालत तो ये हो गई है कि जय श्री राम कहने वालों को दीदी जेल में डलवा दे रही हैं। इस पर पलटवार करने में दबंग दीदी ने देर नहीं लगाई। ममता दीदी, आपने तो इन्हीं वामपंथियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। माँ माटी और मानुष ने आपको शक्ति दी थी, फिर आप जय श्री राम को कहने वालों को जेल क्यों भेजने लगी हो? ममता बनर्जी किसी विकास यात्रा में शामिल नहीं होते, खुद को अलग रख के वो चलना चाहती है, लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है और अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से निभा रहे हैं, जबकि चुनाव प्रचार का बहुत प्रेशर है, फिर भी वो अपनी ड्यूटी को कभी चुकते नहीं। उधर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अपमान के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बिग फाइट तेज होती दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के भ्रष्टाचार का जिक्र किया तो कांग्रेस ऐसी तिलमिलाई कि आज पूरी पार्टी बदजुबानी पर उतर आई। क्या राहुल गांधी और क्या नवजोत सिंह सिद्धू, सबने मर्यादा तार तार कर दी। पलटवार में पीएम ने कह दिया कि कांग्रेस चाहे तो राजीव गांधी के नाम पर ही चुनाव लड़ ले। पांच पीढ़ी तक राहुल बाबा की इस पार्टी का शासन रहा। मैं राहुल बाबा और लालू प्रसाद राबड़ी देवी को पूछना चाहता हूं। एक ने 55 साल शासन किया, लालू राबड़ी ने 15 साल यहां पर बिहार में शासन किया। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल के अंदर इस देश के गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए जो उनके जीवन स्तर को उठाया। रिंग में एक बॉक्सर डाला नरेंद्र मोदी, 56 इंच की छाती वाला बॉक्सर रिंग में उतरा। रिंग में बॉक्सर खड़ा था, कौन सा बॉक्सर था? बेरोजगारी, किसानों की समस्या, भ्रष्टाचार, ये रिंग में नरेंद्र मोदी के सामने खड़े थे। रिंग में घुसा, पहला काम उसने किया छोटे दुकानदारों को पकड़ा और
तू मारे मुंह में ठा ठा, एक नोटबंदी दूसरा गोपाल सिंह का, जनता देखती रहती है। पूरी कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूं, नामदार के परिवार को चुनौती देता हूं, उनके राग दरबारियों को चुनौती देता हूं, उनके चेले चपाटों को चुनौती देता हूं। हिम्मत हो तो आगे दो चरण बाकी है, अगर आपको पूर्व प्रधानमंत्री जिन पर बोफोर्स के भ्रष्टाचार के आरोप है, उनके मान सम्मान के मुद्दे पर मैं चुनौती देता हूं, आइए मैदान में, उस मुद्दे पर चुनाव लड़िए, देखिए खेल कैसा खेला जाता है। उधर यूपी में पांचवें चरण के मतदान के बाद सियासी बिग फाइट और तेज हो गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर की चुनावी रैली में एक बार फिर एसपी बीएसपी गठबंधन पर हमला बोला, तो समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती बिग फाइट पर उतर आईं। सपा बसपा का गठबंधन ये तभी तक है जब तक चुनाव है, और चुनाव के बाद बुआ बोलेगी कि बबुआ तो गुंडों का सरताज है, और बबुआ बोलेगा बुआ तो भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति है। पांचवें चरण के मतदान के साथ देश के 70% सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। अगले दो चरणों में बाकी 30% सीटों पर मतदान बचा है। ऐसे में जनता को अपने पाले में लाने के लिए सियासी पार्टियों में और तेज हो गई है बिग फाइट। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।